दोस्तों, आईटीआई मेडिजी में मैं ऐसे भी आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमारी चैनल पर हम आईटीआई टेट से संबंधित वीडियोज़ लेके आते हैं, जो आपको हिंदी माध्यम के द्वारा जानकारी देने का प्रयत्न करते हैं। दोस्तों, अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में लाइक और शेयर कीजिए तथा बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। दोस्तों, आईटीआई मेडिजी में मैं प्रैक्टिकल तथा थियोरेटिकल दोनों तरह के टॉपिक्स को कवर करूंगा, क्योंकि दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वह है कार्यस्थल पर सुरक्षा, वर्कप्लेस पर सेफ्टी। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि एक हमारी छोटी सी गलती से हमारी और हमारे साथी की लाइफ को खतरा हो सकता है, हमारी जान को खतरा हो सकता है, हमारे को कोई परमानेंट डिसेबिलिटी हो सकती है। तो जब भी हम अपने कार्यस्थल पर कार्य करें, हमें सुरक्षा के नियमों का पालन करना है, क्योंकि हमारी एक सुरक्षा की गलती हमें हॉस्पिटल या हमारे जीवन से भी हमें वंचित कर सकती है। दोस्तों, इस बात का हमें सदैव ध्यान रखना चाहिए और अपने कार्यस्थल पर जो भी सुरक्षा के उपकरण हैं और जो भी नियम हैं, उन नियमों को हमें कड़ाई से पालन करना चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन अनमोल है। एक बार गलती हो गई तो हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते। इसलिए दोस्तों, आज मैं ये इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके पास साथ में शेयर करना चाहता हूँ कि हमें कार्यस्थल पर किस दुर्घटना के क्या क्या कारण हो सकते हैं और उनसे हमारा बचाव किस तरह से हो सकता है। दोस्तों, सुरक्षा, सुरक्षित रहना ही सुरक्षा है। एक सुरक्षित स्थिति तब होती है जब क्षति या संपत्ति का नुकसान बहुत कम होता है और उसे सहा जा सकता है। सुरक्षा संबंधी सावधानियाँ। वर्कशॉप में कार्य करते समय प्रत्येक कर्मचारी को अपने बचाव का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, आपने सुना ही होगा कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, इसे प्रत्येक कर्मचारी को सदैव याद रखना चाहिए। एक छोटी सी असावधानी बहुत बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। इससे मशीन को भी हानि पहुंच सकती है, उत्पादन पर असर पड़ सकता है और कभी कभी कर्मचारी की जान को भी खतरा हो जाता है। इस प्रकार वर्कशॉप में सावधानी का बहुत बड़ा महत्व है। हमें हर पल सदैव सचेत रहकर ही अपने कार्यस्थल पर कार्य करना चाहिए, ताकि कोई अनहोनी हो को टाल सके हम। दोस्तों, सुरक्षा एक क्रिया है जो हमारी सभी क्रियाओं को ऐसे व्यवस्थित और नियंत्रित करती है कि न तो हम स्वयं दुर्घटना के शिकार होते हैं और न ही अन्य लोग इससे प्रभावित होते हैं। अतः एक अच्छे शिल्पकार को, एक अच्छे आर्टिजन को सुरक्षा की सभी जानकारी होती है। वह सुरक्षित और स्वीकृत और कार्य विधि को जानता है और उन्हीं कार्य विधियों को व्यवहार में लाता है और अपने जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है उनका उपयोग करता है। दोस्तों, दुर्घटनाओं के क्या क्या कारण हो सकते हैं? कर्मचारी की लापरवाही, कर्मचारी की अज्ञानता, कर्मचारी का कार्य में अधिक आत्मविश्वास, कर्मचारी की कार्य में अरुचि, कर्मचारी अपनी स्वयं की और मशीन की क्षमता से अधिक जल्दी कार्य करने का कोशिश करता है, तब दुर्घटना के चांस होते हैं। मशीन की दशा खराब हो, मशीन की मेंटेनेंस अच्छी नहीं हो, औजारों की दशा खराब हो, औजारों का मेंटेनेंस अच्छा नहीं हो, तो इस दशा में दुर्घटना होने के चांस रहते हैं। दोस्तों, इसकी में जैसे बताया गया है कि यदि हमने थोड़ी सी भी लापरवाही कर दी, थोड़ा सा भी अगर अपना कार्यस्थल से ध्यान भटकता है, तो हम दुर्घटनाओं के शिकार हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों, हमें सदैव ध्यान रखना चाहिए कि जब हम कार्यस्थल पर हों तो पूरी तरह से 100% अपना ध्यान अपने कार्य में लगाएं, ताकि कोई दुर्घटना नहीं हो। दुर्घटना के और क्या क्या कारण होते हैं? जैसे कि कर्मचारी द्वारा कार्य करने की ठीक विधि न अपनाना, कर्मचारी द्वारा कार्य के अनुसार उपयुक्त औजारों का प्रयोग नहीं करना, कर्मचारी की मानसिक दशा ठीक नहीं होना, उसको कोई घर में कोई झगड़ा हो गया तो पूरे दिन वहीं ध्यान हो, उस दरमियान दुर्घटना के चांस बहुत देखे हैं। मशीन की गतिशील पुर्जों जैसे गियर, बेल्ट, पुली आदि पर गार्ड का प्रयोग नहीं करना हो, कई बार उनमें कपड़े फंस जाते हैं तो आदमी को नुकसान होने की संभावना रहती है। उत्पादित पुर्जों को सही स्थान पर नहीं रखना हो, वर्कशॉप में बिजली तथा लाइट की व्यवस्था ठीक नहीं हो, कर्मचारियों में अनुशासन की कमी हो। यदि कर्मचारी में अनुशासन की कमी भी है तो भी दुर्घटना के कारण हो सकते हैं। जैसा कि इस केस में बताया गया है कि कर्मचारी का थोड़ा सा भी ध्यान भटका तो दुर्घटना हो जाती है।
दोस्तों एक ग्राफ है जिसमें वर्क प्लेस पे जो एक्सीडेंट्स होते हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, वो किस किस कारण से होती है। उसमें देखा कि हम स्लीप या फिसलने से सबसे ज़्यादा होती है, और जब कोई हम मटेरियल हैंडलिंग करते हैं तब दुर्घटना के चांस सबसे ज़्यादा अधिक होते हैं। तो दोस्तों हमेशा याद रखो, सेफ्टी फर्स्ट, वर्क सेफ, वर्क स्मार्ट। हमें अपने कार्यस्थल पर कौन कौन से सुरक्षा के नियम अपनाने चाहिए, अभी हम उन पे चर्चा करते हैं। कि कर्मचारी को अपने कार्य की पूर्ण जानकारी कर लेनी चाहिए, यदि कोई संदेह है तो वरिष्ठ अधिकारी से पूछ लेना चाहिए। अपने कार्यस्थल को हमेशा साफ रखना चाहिए। कार्य करते समय प्रत्येक कर्मचारी को वर्कशॉप की चुस्त फिटिंग वाली ड्रेस पहननी चाहिए। कार्य करते समय कमीज की लंबी आस्तीनों को ऊपर चढ़ा लेना चाहिए, क्योंकि कई बार दुर्घटनाएं कपड़ों के मशीन में पर फंस जाने के कारण भी हो जाती है। तो हमें कार्य करते समय ढीले ढाले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, हमें चुस्त फिटिंग वाले वस्त्र पहनने चाहिए, ताकि दुर्घटनाओं की कोई ऐसी संभावना ना बने और हम अपने कार्यस्थल पर सुरक्षित रहें। उसके लिए हमें जो हमारे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है वो उनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे ये तीन प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इम्पोर्टेंट है, हेलमेट, जूते और जो हमारा ये चुस्त फिटिंग वाली ड्रेस है। तो दोस्तों हमें सदैव अपनी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ये हमें दुर्घटना से बचाते हैं। दोस्तों सुरक्षा के हमारे जो अगले नियम हैं, यदि किसी कर्मचारी के बाल लंबे हैं तो कार्य करते समय सुरक्षा टोपी पहनकर उन्हें ढक लेना चाहिए। वर्कशॉप में कार्य करते समय किसी भी कर्मचारी को अंगूठी, घड़ी, मफलर और टाई आदि नहीं पहनना चाहिए। वर्कशॉप में कार्य करते समय आंखों के बचाव के लिए चश्मा और पैरों के बचाव के लिए मोटे तलों वाले तेल प्रतिरोधी जूते पहनने चाहिए, ताकि हम फिसले नहीं और फिसलने के कारण कोई दुर्घटना ना हो। बिना जानकारी के किसी भी मशीन को छुए नहीं और उस मशीन पर कार्य नहीं करें। यदि हमें मशीन की नॉलेज नहीं है तो हमने अपने वरिष्ठ अधिकारी या सुपरवाइजर से उस पर चर्चा करके ही काम करना चाहिए। दोस्तों हमें जो हमारे प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, दस्ताने हैं, सेफ्टी बेल्ट है, ईयर मफ है, उनका भी नियमित रूप से जहाँ जहाँ हमें आवश्यकता है अवश्य प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इनके प्रयोग नहीं करने से ही दुर्घटना हो सकती है। दोस्तों सुरक्षा के नियम में आगे है कि कार्य करते समय आपस में मजाक या मूर्खतापूर्ण आचरण नहीं करना चाहिए। कई बार हम कार्य करते समय कार्यस्थल पर ही अपने साथी से मजाक या कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं, और या आपस में कार्यस्थल पर भाग दौड़ करने की कोशिश करते हैं, जिससे वहाँ पर रखी हुई चीज़ों से हमें चोट पहुँचने की संभावना रहती है। वर्कशॉप के फर्श पर तेल या ग्रीस आदि नहीं फैलाना चाहिए। यदि तेल या ग्रीस फैला हुआ है तो तुरंत हमें वहाँ पर लकड़ी का बुरादा या मिट्टी डालकर उस जगह को साफ करना चाहिए, ताकि कोई दुर्घटना ना हो। सीढ़ी का प्रयोग करने के लिए उसे ज़मीन पर अच्छी तरह से रिकॉर्ड लगाकर ही प्रयोग में लाना चाहिए। यदि कोई दुर्घटना घट जाती है तो अपने वरिष्ठ या अधिकारी को तुरंत सूचना देनी चाहिए। जो भी उचित साइन बोर्ड है उनका हमें नियम से पालन करना चाहिए, ताकि ऐसी दुर्घटना की कोई भी चांस ना बने। दोस्तों हस्त औजारों से सुरक्षा के लिए हमें क्या क्या नियमों का पालन करना चाहिए। कार्य के अनुसार सही औजारों का प्रयोग करना चाहिए। जिस औजार की आवश्यकता है उस औजार का प्रयोग करना चाहिए। खराब औजारों का प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। बिना दस्ते की रेती का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रेती मतलब कि फाइल्स का। टूटे या ढीले दस्ते वाले हथौड़े का प्रयोग नहीं करना चाहिए। फटा हुआ माथा वाली छेनी या पंच का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनमें से कोई भी आयरन चिप निकलकर हमें नुकसान पहुंचा सकती है। इन चीज़ों का हमें सदैव याद रखना चाहिए। दोस्तों जो हमारे पास में औजार या टूल्स हैं उनको सही ढंग से व्यवस्थित करना चाहिए। अपने औजार टूल को बिल्कुल सलीके से रखना चाहिए, ताकि हमें जिस औजार की जिस समय आवश्यकता है वह औजार हमें तुरंत ही मिल सके। इसके लिए एक 5S पद्धति है, जिसमें 5 तरीके होते हैं अपने कार्यस्थल को सुरक्षित एवं साफ सुथरा रखने के लिए। तो किसी अन्य वीडियो में मैं आपको 5S के बारे में बताऊंगा,
उसका हमारे कार्यस्थल पर किस तरह से फायदेमंद रहता है उसके बारे में भी आपके साथ में मैं डिस्कस करूँगा। दोस्तों, हस्त औजारों से सुरक्षा के लिए हमें कभी भी फाइल का उल्टी दिशा में प्रयोग नहीं करना चाहिए। स्टील रूल का प्रयोग पेचकस की तरह नहीं करना चाहिए। सदैव हमें ठीक साइज के स्पैनर का प्रयोग करना चाहिए। सूक्ष्मापी यंत्रों का हस्त औजारों के साथ में मिलाकर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उनको रखने से वो इक्विपमेंट भी हमारे ख़राब हो सकते हैं। इस प्रकार जब भी हम कोई वेल्डिंग का कार्य करें तो हमें पूर्णतः जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है उनको हमें यूज करना चाहिए। जैसे सामने वाली एक इस पिक्चर में वेल्डर ने अपनी ड्रेस भी पहनी हुई है, दस्तानों का वो भी उपयोग कर रहा है, और आंखों की सुरक्षा के लिए अच्छी क्वालिटी वाले ग्लास का भी प्रयोग कर रहा है। दोस्तों, कई बार हम ग्लास का प्रयोग सस्ती क्वालिटी वाले का करते हैं जिससे हमारी आंखों पर दुष्प्रभाव पड़ता है। इसलिए सदैव हमें जो अपने प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हैं अच्छी क्वालिटी के ही उपयोग करने चाहिए ताकि हमारी सुरक्षा सुनिश्चित रहे। मशीनों से सुरक्षा। मशीन पर कार्य करने से पहले यह जानकारी आवश्यक है कि वह किस बटन से शुरू होती है और किस बटन से बंद होती है। मशीन पर कार्य करते समय चीलन को हाथ से साफ नहीं करना चाहिए। चालू मशीन को साफ करने का कभी भी प्रयत्न नहीं करना चाहिए। यदि कार्य करते समय कुछ खराबी आ जाए तो मशीन को तुरंत बंद कर देना चाहिए। मशीन पर कार्य करते समय चश्मा पहनना आवश्यक है, क्योंकि हो सकता है मशीन से ही कोई चिप्स या छोटा कण हमारी आंखों में जाके घुस जाए, जिससे हमारी आंखों को नुकसान पहुंच सकता है। जब भी हम मशीनों से कार्य करते हैं तो हमें सदैव अपने कार्य पर ध्यान रखना चाहिए। अपने साथी से हमें बात नहीं करनी चाहिए। अभी जैसे अभी ये तस्वीर में आप देख रहे हैं कि इस व्यक्ति ने सुरक्षा के एक भी उपकरणों का इस्तेमाल नहीं किया है, तो उसका सुपरवाइजर आके उसे बता रहा है कि अपने उपकरणों का इस्तेमाल करो ताकि कोई दुर्घटना ना हो, ना ही तुम्हें कोई नुकसान पहुंचे। तो दोस्तों, हमें इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना है। इलेक्ट्रिकल पावर से सुरक्षा। दोस्तों, किसी किसी भी वर्कशॉप में बिजली का प्रयोग अधिकाधिक होता है और हर एक व्यक्ति को बिजली की नॉलेज नहीं हो सकती। इसलिए यदि बिजली की पावर में कोई खराबी दिखाई दे तो उसकी सूचना अपने तुरंत वरिष्ठ अधिकारी को देनी चाहिए। बिजली की नंगी तारों का प्रयोग कभी भी नहीं लाना चाहिए। यदि बिजली का प्लग या तार वगैरह टूट जाता है तो उन्हें तुरंत की तुरंत बदलवा लेना चाहिए। केवल कुशल बिजली मिस्त्री को ही बिजली ठीक करने की अनुमति देनी चाहिए, क्योंकि उसे बिजली के बारे में पता होगा। अन्य व्यक्ति अगर ऐसा कोशिश करता है और उसे बिजली के संबंधित में ज्ञान नहीं है तो उसे शॉक लग सकता है, जिससे उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। बिजली ऐसी चीज़ है कि व्यक्ति को मार सकती है। इसलिए हमें जब भी हम बिजली के उपकरणों को इस्तेमाल करें तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा और सुरक्षा के संबंधी नियमों का पालन करना पड़ेगा। जहाँ पे डू नॉट यूज या फेल लिखा हुआ है वहाँ पे उस उपकरण को हमें यूज नहीं करना है। ये सदैव हमें याद रखना है। दोस्तों, हमें कार्यस्थल पर दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ वजन उठाना रहता है, तो वजन उठाने का भी एक तरीका रहता है ताकि हमें कोई चोट ना पहुंच जाए। तो हमें भार उठाने के लिए क्या-क्या सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए, हम यहाँ पे देखते हैं। किसी ऐसे बोझ को उठाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए जिससे हमारे शरीर की नसों पर तनाव आने की संभावना हो। यदि वजन ज़्यादा है तो उठाकर ले जाने वाली सामग्री यदि भारी है तो अपने साथी से मदद मांग लेनी चाहिए। किसी बोझ को उठाने के लिए बोझ के जितने नज़दीक हो सके उतना हमें नज़दीक झुकना चाहिए। अपनी पीठ को सीधा रखना चाहिए और बोझ को मजबूती से पकड़कर टांगों को सीधा करते हुए उठाना चाहिए। जैसा कि मैं आपको इस पिक्चर में दिखा रहा हूँ कि हमें भारी वजन को किस तरह से उठाना है ताकि हमें कोई नुकसान ना हो। हमें पहले नीचे अपने कमर को ना झुकाकर घुटनों को झुकाना है, घुटनों के बल पे वजन उठाना है। धीरे धीरे पैरों पे ही हमें पूरी ताकत लगानी है। इससे हमारी कमर को चोट नहीं पहुँचेगी और हम सुरक्षित तरीके से वजन को उठा पाएंगे। तो दोस्तों, वजन उठाते समय हमें इन तरीके का सदैव ध्यान रखना और पालन भी करना है। भार उठाने के लिए अन्य सुरक्षा के नियम हमारे हैं। बोझ उठाते समय
लिफ्टिंग डिवाइस का प्रयोग करना चाहिए। बोझ उठाते समय आसपास के स्थान को साफ सुथरा रखना चाहिए। बोझ उठाते समय अपनी ताकत का प्रयोग ज़्यादा नहीं करना चाहिए, बल्कि तकनीकी प्रयोग करना चाहिए, जैसे क्रेन रही, फोर्कलिफ्ट रहा या अन्य कोई साधन, ताकि हमारे शरीर पर कम से कम स्ट्रेस आए। 30, 40, 40, 50 किलो तक तो हम आसानी से वजन उठा सकते हैं। उससे ज़्यादा वजन उठाने की कोशिश करने पर हमें चोट पहुँच सकती है, तो हमें इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और फोर्कलिफ्ट और क्रेन का भी प्रयोग हमें बिल्कुल सुरक्षित तरीके से करना चाहिए। दोस्तों, इसी के साथ मैं आज का वीडियो ही ख़त्म करता हूँ। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारी चैनल ITI मेडिजी को सब्सक्राइब करिए तथा इस वीडियो को अपने दोस्तों के मित्रों के साथ में शेयर कीजिए, क्योंकि सुरक्षा से संबंधित नियम जब आप ITI पास करके जाएंगे तो ये दिन प्रतिदिन नियम आपको काम आने वाले हैं, और इन नियमों को जीवन में सदैव कार्यस्थल पर ध्यान रखना है, ताकि आप सुरक्षित प्रणाली से अपने कार्यस्थल पर कार्य कर सकें और आपको कभी भी कोई ऐसी दुर्घटना या चोट ना पहुँचे जो कि आपके लिए नुकसानदायक हो। थैंक यू दोस्तों।